ओके फुटसाल एक्चुअली एक फ्रेंडली मैच है बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, हमारा एक टीम है, एसपी साहब का एक टीम है, आईटीबीपी का टीम है और एक ऑनरेबल एमएलए साहब का टीम है। तो ये एक क्योंकि हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमको लगा कि साथ में सेलिब्रेट करने से अच्छा रहेगा, तो हमने सोचा कि एक फ्रेंडली मैच ऑर्गेनाइज करता है स्पोर्ट्स में। हमारा इतना अच्छा अच्छा लोग कॉमनवेल्थ में जीत के आए तो पूरा कंट्री में एक स्पोर्टिंग मूड है, तो उसी को देखते हुए हमने ये फुटबॉल का छोटा स्मॉल फुटसाल में मैच ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें 4 टीम पार्टिसिपेट कर रहा है जिसमें प्राइमरीली ऑफिसर लोग और इनका स्टाफ है। इसके अलावा वॉलीबॉल का भी एक मैच रखा है जो 14 से स्टार्ट होगा, उसमें भी 4 टीम है, तो उसमें एक टीम डीसी साहब का है, एक एसपी का है, एक जेडपीसी साहब का भी एक टीम बनाया और एक आईटीबीपी का टीम है, तो उसमें 4 टीम हम लोग पार्टिसिपेट करेगा। और उसके बाद जब 15 अगस्त होगा तो उस दिन भी हमने थोड़ा इस स्पोर्टिंग इवेंट को कंटिन्यू करते हुए टग ऑफ वार भी रखा है। तो ये एक फ्रेंडली मैच है जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन और उनके लोगों के बीच में जो जिनको हम सर्विस देते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं एमएलए साहब, उनके साथ एक अच्छा सा मैसेज जाए जनता को भी कि जो हमारा स्पोर्ट्स है वो भी बहुत एक्टिविटी अच्छा है, और साथ में जैसे आज हमने एक लाइब्रेरी भी ऑर्गेनाइज किया तो पढ़ना और लिखना और खेलना सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही हम लोग लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि सब लोग अपना अच्छी आदतें जो हैं उसको रखें और जो बुरी आदतें उनसे दूर बचें। अच्छा सर, आप जैसे कि आज ये आपने ऑर्गेनाइज किया तो सर इससे बहुत सारे मतलब लड़कों को भी सीख मिलेगा कि हमें स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है सर बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट लोग भी है जो मतलब ड्यूटी के साथ हेल्थ पे उतना ख्याल नहीं रखते, उनको क्या अपील है, क्या मैसेज रहेगा सर? हाँ, ड्यूटी गवर्नमेंट का थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है टाइम के साथ साथ, हम लोग को अपना जो पर्सनल टाइम है उसको अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम फिजिकली फिट होंगे तभी अच्छे से काम कर पाएंगे। तो अपना फैमिली लाइफ का टाइम और अपना पर्सनल टाइम सबको हर किसी को निकालना चाहिए। गवर्नमेंट में काफ़ी टाइम बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सिचुएशन रहता है, बट उन सबको देखते हुए जैसे सुबह मिले तो सुबह टाइम या शाम को मिले तो शाम को, उसके हिसाब से अपना शेड्यूल बनाना चाहिए। जी सर, तो बहुत अच्छा लगा मतलब सबको देख के भी, आप लोग फुटबॉल खेला, तो सर आपका तरफ से क्या मैसेज रहेगा सर? खेल जगत में जितना भी है सबको मैं ये जो 75 ईयर्स जी जो ये हम लोग का स्वतंत्रता दिवस को मानने के लिए हम लोग कर रहा है, और सबसे ज़रूरी है अपना देश को पित रखना है तो देश का नागरिक पित होना चाहिए, और जब देश का नागरिक पित होगा देश भी पित होगा। खेल जगत में जितना भी रहने वाला लोग अपना तंदुरुस्त बदन रखने के लिए खेल कूद में भाग लेना है, और ये एक्सरसाइज वगैरह भाग लेना है, ये भी एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज है, और ये ओपन डोर का एक रन एंड टेक्निक को इधर यूज करता है, तो रन एंड टेक्निक को इधर यूज करते समय में हम लोग का एक फिजिकली मेंटली और सबको फिट रखने के लिए ये खेल कूद में भाग लेना ज़रूरी है। इसलिए मैं जितना भी खेल जगत में रहने वाला सभी को और जितना देश के वासी को मैं ये अमृत महोत्सव 75 की जो खेल में हम लोग का हर पील में खेल है, चाहे फौजी लोग भी खेल खेलता है और जितना नागरिक लोग खेल खेलता है, और देश को रक्षा करने के लिए हमारा फिटनेस और बदन एक फिटनेस होना ज़रूरी है, और जो फिट होगा और देश हम लोग का फिट होगा, और देश के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सभी देशवासी को मैं शुभकामनाएं देते हुए, खेल जगत में इसी तरह से करते रहना है। थैंक यू।